यदि आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, किसी कार्य में आप सफलता चाहते हैं, तो 27 मई के दिन ज्येष्ठ माह का प्रदोष है, यह कृष्ण पक्ष का प्रदोष है। शुक्रवार के दिन यह प्रदोष पड़ रहा है जो कि घर में सुख शांति लेकर आता है और घर क्लेश को दूर करता है। ऐसे में यदि आपकी कोई मनोकामना है, आपका कोई कार्य बहुत समय से अटका हुआ है या फिर आपके कई प्रयास और कई उपायों के बाद भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो इस प्रदोष पर आप इस उपाय को अवश्य ही करें। पूजनीय पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में इस उपाय के बारे में बताया है। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो भगवान शिव आपकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। आपको यह उपाय सच्चे मन से और पूरे श्रद्धा भाव से करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम उपाय करते हैं परंतु हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं, या फिर हमारे मन में शंका रहती है कि इस उपाय को करने से हमारी मनोकामना पूर्ण होगी भी या नहीं। इस कारण से भी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, इसलिए पूरे विश्वास से और पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को आप करें। आपको क्या करना है, प्रदोष काल में एक लोटा जल लेना है और उस जल में आपको कुछ हरे मूंग के दाने डालने हैं, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डालना है और 5 बेलपत्र, 5 नहीं मिल पाए तो 1 बेलपत्र आप डाल सकते हैं। अब इस जल को लेकर आपको प्रदोष काल है, प्रदोष काल शाम का समय जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होने से लेकर 1 से 1.5 घंटे का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरे सच्चे मन से प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करता है, उनके समक्ष कोई उपाय करता है या एक लोटा जल और 1 बेलपत्र भी अगर अर्पित कर देता है तो भगवान शिव उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करते हैं और उस व्यक्ति से प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आपको यह कलश लेकर जाना है और शिवलिंग के चारों तरफ पहले इस कलश का पानी डालना है, आपको चढ़ाना है, फिर अंत में शिवलिंग पर इस कलश का पानी आपको धीरे धीरे अर्पित करना है। आप यह उपाय अवश्य ही करें जिससे आपकी मनोकामना भगवान शिव अवश्य ही सुनेंगे और आपकी मनोकामना को वह पूर्ण करेंगे। बस आपको सच्चे मन से करना है